डीपीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बिजनौर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। दरअसल जनपद बिजनौर के गांव नजरपुर में शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर दो दोस्तों में हुए विवाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उसके बाद घर में रखे तमंचे से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आज इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त निपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। दिनांक 25 तारीख को रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को मार करके उसका शव नजरपुर में एक व्यक्ति के घर के सामने फेंक दिए हैं। इस सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी जाकर के मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो उनके द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। मृतक का जो शिनाख्त थी, जो है पहचान हुई, उसका नाम विशाल उर्फ गोलू निवासी अलावलपुर का रहने वाला था, जो नजरपुर के बगल में उसका गांव है। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट और गोली लगने से पाई गई है। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई तो ये जानकारी में आया कि गोलू मृतक और ये जो पकड़ा गया व्यक्ति एक निरपेंद्र जिसको हमने गिरफ्तार किया है और इसका एक चाचा था वीर सिंह, ये तीनों लोगों ने पहले गांव में नजरपुर में खूब शराब पी, क्योंकि ये जो मृतक था इसका बराबर इनके यहाँ घर पे आना जाना था, बगल बगल दोनों के गांव हैं और शराब पीने के बाद ये लोग वहाँ से एक भाप देने के लिए सुल्तानपुर हल्दौर थाना क्षेत्र में गए थे। वहाँ भी इन लोगों ने खूब शराब वराब पिया, फिर लौटे। लौटते समय अभी जो इन्होंने बताया है पूछताछ में कि अपने चाचा को इन्होंने जो है वहीं चाँदपुर के पास उतार दिया था और ये दोनों आ गए थे नजरपुर में। वहाँ पर भी जो है मृतक द्वारा जो है इनसे पैसे की मांग की गई कि और पैसे लाओ, शराब पियेंगे। इन्होंने मना किया तो इनको जो है उसने कुछ गाली गलौज किया, जिसपे जोश में आकर के इन्होंने जो चारपाई का पाया होता उससे मारा, वार किया। इसके बाद फिर जो है उसको तमंचे से फायर करके उसकी हत्या कर दी है। तो इसमें ये निरपेंद्र उर्फ भोलू निवासी नजरपुर को गिरफ्तार किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें एक अब जो वीर सिंह का नाम है जो है कि वीर सिंह की घटना के बारे में क्या संलिप्तता है, ऐसा इनका कहना है कि इनको चाँदपुर में उतार दिया गया था, इनकी संलिप्तता के संबंध में पृथक से अलग से इसमें हम लोग विवेचनात्मक गहराई से छानबीन कर रहे हैं और उनकी संलिप्तता के आधार पर उन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखिए संवाददाता इसरार अहमद की ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक डीपीपी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट में शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।